अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मैं पिछले 20 इयर्स से 20 सालों से शोबा गायनी ऑप से मुंसलिक हूँ। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और फारूक हॉस्पिटल में सर्व करती हूँ। आज मैंने बात करनी थी कि लोग अक्सर ये मिथ है लोगों के अंदर कि जी डॉक्टर जो है ना वो गायनी वाली वो बिला वजह यूट्रस निकाल देती हैं, तो आज हमने यूट्रस रिमूवल पर बात करनी है। यूट्रस रिमूवल को हमारी ज़बान में हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। हिस्टेरा का मतलब होता है यूट्रस और एक्टमी का मतलब है निकालना, यानी कि यूट्रस को निकाला जाए। अच्छा, अब यूट्रस निकालने की ना मल्टीपल इंडिकेशंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्रस जो है वो शौकिया निकाली जाती है, इसमें मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं। जैसे पेशेंट को बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है, और उसमें वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेती है, जैसे कि हम मेडिसिन देते हैं उसके लिए। उस मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं होती, उसका ब्लड लॉस इतना होता है कि वो उससे खून की कमी डेवलप करती है, उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसके बच्चे और नहीं चाहिए, तो उसमें यूट्रस रिमूवल की जाती है। दूसरा, एडिनोमायोसिस हो जाता है, यानी कि यूट्रस ही का टिशू जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का टिशू है वो मसल्स में जाके डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रोसिस, जिनके अंदर फैमिली कम्प्लीट हो उनको बच्चे नहीं चाहिए लेकिन उनके अंदर जो एंडोमेट्रोसिस है यानी कि चिपकाव है और उनके अंदर सिस्ट्स हैं वो बन जाती हैं, उनके अंदर निकाली जाती है। फिर इसी तरह से ओल्ड एज में, जैसे कि पेशेंट्स जो हैं उनकी यूट्रस नीचे से वजाइना से नीचे बाहर आ जाती है, उनको महसूस होता है कि नीचे उनका जिस्म बाहर आ रहा है, उनके अंदर भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। इसी तरह से अगर एक पेशेंट के अंदर कैंसर है, यानी कि यूट्रस का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, उनके अंदर भी यूट्रस निकाली जाती है। तो मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, उसमें हम पहले ट्रायल ज़रूर देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का, बायोप्सी का, कि उसकी यूट्रस की लाइनिंग लेते हैं, उसको टेस्ट होने भेजते हैं। फिर अगर उस टेस्ट में वो लाइनिंग ठीक आ जाती है, उसमें सिर्फ कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, तो हम उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त फेल्ड हो जाते हैं सारे ट्रीटमेंट्स, उन पेशेंट्स के अंदर यूट्रस रिमूवल की जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अच्छा, अब यूट्रस रिमूवल की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, मतलब ये तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन उसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम उन्हें कैसे निकालें। अच्छा, यूट्रस को तीन तरीकों से मेजर जो हैं मेथड्स जिनसे निकाला जाता है, उसमें एक तरीका है कि हम उसको एब्डोमिनली निकालें, पेट के जरिए, यानी ऊपर से पेट से काट देते हैं और यूट्रस को निकालते हैं। अच्छा, उनमें ना यूट्रस बहुत बड़े हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनके अंदर हमें एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो मेथड है उसके अंदर होता है कि हम पेशेंट को वजाइनली निकालें यूट्रस। अच्छा, उसमें क्या है कि जिन ओल्ड एज पेशेंट्स में यूट्रस नीचे से बाहर आ जाती है या जिनकी फैमिली कंप्लीट है, उनमें हम नीचे से वजाइनली, यानी कि उसमें ऊपर से कट नहीं देते, नीचे से उस यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। और तीसरा मेथड होता है जिसमें कि हम लैप्रोस्कोप के जरिए निकालते हैं, यानी कि नाफ के जरिए कैमरा डालते हैं, पेट के दो साइड्स पे छोटे 5-5 मिलीमीटर के सुराख करते हैं, उनके जरिए वो डालते हैं पोर्ट्स, और फिर उनके जरिए ऊपर से जो है वो यूट्रस को अंदर से कैमरे के जरिए कट किया जाता है। उसमें कोई स्टिच नहीं आता अंदर से, लेकिन ये होता है कि नीचे जो यूट्रस है वो वजाइनली आप निकाल लेते हैं बाहर। इसके भी फिर दो मेथड्स होते हैं, एक ये होता है कि लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेरेक्टमी है, जिसमें ऊपर से आपने दो क्लैंप्स जो है वो ऊपर से लगाया, नीचे से फिर आधा जो आखिरी हिस्सा है वो यूट्रस का नीचे से निकाल दिया। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि सारा ही यूट्रस जो है वो आपने ऊपर लैप्रोस्कोप के जरिए कैमरे के जरिए निकाला, लेकिन आखिरी में नीचे से निकाल लिया और स्टिच भी अंदर से ही लगा दिया, तो उसको हम TLH कहते हैं, यानी टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अच्छा, हर हिस्टेरेक्टमी के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं हर हिस्टेरेक्टमी के, लेकिन चूंकि आजकल मिनिमल जो एक्सेस सर्जरी है इसका दौर है, मिनिमल इन्वेसिव हमारे पास मेथड ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो आजकल सबसे ज़्यादा इन है उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे। उसमें इंसीजंस नहीं हैं, उसमें कट्स नहीं हैं, उसमें इन्फेक्शन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, उसमें आपकी पोस्ट रिकवरी जो है वो आप बहुत अर्ली है, पेशेंट जो है वो अगले दिन ठीक होता है, घर चला जाता है, उसमें आपका ब्लड लॉस बहुत मिनिमल होता है, उसमें हर्निया के चांसेस बहुत कम होते हैं, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। सो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनमें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सके, उनके लिए वो इंडिकेटेड हो और वो सूट करते हों उस क्राइटीरिया को, तो उनके अंदर वो सर्जरी जो है वो रिकमेंडेड है। सो कॉम्प्लिकेशंस हर सर्जरी की हैं, जैसे कि ओपन की अपनी होती हैं, लैप्रोस्कोप की अपनी होती हैं, लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो है वो फिर भी कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ है। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो ये है कि हिस्टेरेक्टमी यूट्रस जब भी निकाली जाती है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसके मुख्तलिफ रूट्स हैं, उसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा ख्याल है आज मैंने अपना मैसेज कम्प्लीटली डिलीवर कर दिया होगा। मज़ीद इस टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल आप करना चाहें तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट चाहें तो मरहम के थ्रू उनके प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच।